तेरे दरबार में यीशु उम्मीदें लेके आया हूँ, तेरे दरबार में यीशु उम्मीदें लेके आया हूँ। दिलों जान पेशे खिदमत है ये नजरें लेके आया, नाम से तेरे मेरी उम्मीद की बस्ती है रोशन, नाम से तेरे है रोशन, नाम से तेरे करो आशा मेरी पूरी ये आशा लेके आया, दिया नूरे जलाल दिया तेरे कमाल दिया, नूरे जलाल दिया बढ़िया सोने के आए हारिशु, बढ़िया सोने के आए हा, बढ़िया सोने के आए हारिशु, बढ़िया सोने के आए हा, तेरे कमाल दिया नूरे जला दिया, तेरे कमाल दिया नूरे जला दिया, आग देने माफी बसे यीशु दिल कोले, आग देने माफी बसे यीशु दिल कोले, ओ दिल तहारे मक लुके अनमोले, ओ दिल तहारे मक लुके अनमोले, ओ दे दीदार अखियां ने पाल दिया, ओ दे दीदार अखियां ने पाल दिया, बढ़िया सोने के आए हा यीशु, बढ़िया सोने के आए हा, बढ़िया सोने के आए हा यीशु, बढ़िया सोने के आए हा, तेरे कमाल दिया दूरे दला दिया, तेरे कमाल दिया नूरे दला दिया, आँख देने अन्ने आनु नैने यीशु अंडे दाए, आँख देने अन्ने आनु नैने यीशु अंडे दाए, आँख देने दुखी आनु जैने यीशु अंडे दाए, आँख देने दुखी आनु जैने यीशु अंडे दाए, करी ना दीदारी मैं मरियम दे लाल दा, मरियम दे लाल दा बढ़िया सोने के आए हा यीशु, बढ़िया सोने के आए हा, बढ़िया सोने के आए हा यीशु,
बढ़िया सुन के आए तेरे कमालिया नूरे दलालिया तेरे कमालिया नूरे दलालिया। उन्हां उत्ते एक चमकीला बदल छा गया अते बदल विच एक आवाज़ आई, ए मेरा प्यारा पुत्र है जिस तो मैं बहुत खुश हाँ, इस दी सुनो। बाप अते बेटा अते रूह पाक दे नां दे उत्ते आमीन। साडे प्रभु यीशु मसीह दा फजल, खुदा बाप दा प्रेम अते रूह पाक दी सांझ तुहाडे सारयां दे नाल होवे अते तुहाडी रूह नाल वी होवे। प्रभु यीशु मसीह विच प्यारे भाओ ते भैणो, अज साडे लई बहुत ही खुशी दा दिन है क्योंकि अज असी एक बहुत ही महान ईद मना रहे हैं। पता है कि ईद है? प्रभु यीशु मसीह दा रूपांतरण, प्रभु यीशु मसीह दा रूप बदल जाना, प्रभु यीशु मसीह ने अपने असली रूप दे विच आना। अज प्रभु यीशु मसीह दे रूपांतरण की ईद मनाते हैं। सानू पता कि प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती उत्ते आने दे लई इंसानी रूप धारिया। असल विच उसका रूप खुदाई रूप सी, ते अज सानू फिर दोबारा यीशु मसीह अपने असली रूप की झलक दिखाते हैं। इसलिए अज असी अपने मुक्तिदाता यीशु मसीह, खुदा दे पुत्र यीशु मसीह अते साडा खुदा यीशु मसीह की ईद मनाते हैं। इस झलक के द्वारा सानू एक स्वर्गी झलक मिलती है, असी भी उस तरह हो जाना। जो साडा बुलावा है एक ईसाई होने का, जो बपतिस्मे दे विच सानू प्रतिज्ञावां दित्तियां गईयां हन नवें जीवन दियां, साडे नां असली जीवन की किताब विच लिखे गए ने। असी भी एक दिन जी उठना है, असी भी खुदा दे सिंघासन दे सामने खड़े होना है, साडे कीत्यां दा भी फैसला होना है स्वर्ग विच। अते अज दा पहला पाठ सानू उस स्वर्गी झलक दे बारे दसदा है कि किदां खुदा बाप, जिदा जो आवाज़ विच इत्थे कहिंदे ने, स्वर्ग विच भी खुदा बाप अपने बेटे नूं पूरियां शक्तियां दे रहा है। अज असीं पहले पाठ विच इस झलक नूं देखांगे। अते खुदा बेटा अपने राजधाम ते बैठा है, हज़ारां लखां लोग उसकी सेवा विच लगे हुए हैं, अते पोथियां खुल रही ने दुनिया के कम्मां दियां, दुनिया के पापां दियां, दुनिया के नेक कम्मां दियां, अते न्याय होएगा। अज सानू असली रूप जो स्वर्ग विच है अज धरती उत्ते देखण नू मिल रहा है, इसलिए साढ़े लिए बहुत खुशी की गल है। खुशी की इसलिए गल है कि सानू एक नवी उम्मीद मिल गई कि जो असी विश्वास किया है यीशु मसीह ते, उदे विच असी दफनाए भी जाना अते उदे विच असी फिर जी उठना, अते साडा रूप भी यही रूप होवेगा, असी भी उस रूप विच बदले जावांगे। क्योंकि जदों असी मर जाते हाँ स्वर्ग विच चले जाते हाँ तो असी आम इंसान वांग नहीं रहिंदे, असी चेलियां वांग प्राणी फरिश्तियां वांग पाक साफ हो जाते हाँ। तो इसलिए आओ असी अपने विश्वास का जश्न मनाईए। अज ये साढ़े विश्वास का जश्न है, असी यीशु मसीह ते विश्वास किया है कि वह खुदा का बेटा है, जो उस उत्ते विश्वास करता है वह अनंत जीवन पावेगा, अते साढ़े अनंत जीवन के जश्न की झलक अज प्रभु यीशु मसीह के रूपांतरण मिलती है। तो आओ असी पूरे जोश नाल अपनी उम्मीद न होर भी पक्कियां करते हुए, अपने विश्वास को होर भी मजबूत बनाते हुए, मुरदियां विचों जी उठन दे विच अपने विश्वास को होर भी मजबूत बनाते हुए इस जश्न मनाइए। तो आओ
जो भी असी रूहानियत कोई जश्न मनाते हाँ वो सानू पछतावा करके तैयारी की जाती है। नवे कपड़े नाल तो है ही आ, पर जो दिली पछतावा असी करते हाँ, जो असी सच्चे दिलों अपने पापा से माफ़ी मांगते हाँ तो पाक मास विच हिस्सा लेंदे हाँ, वो असली जश्न है क्योंकि वह अंदरूनी है, बाहरी नहीं है। बाहरी जश्न ये है कि असी वधिया अपने आप को चंगा सवार के इस घर गिरजाघर आए हाँ, असी सारे सज वज के इस घर आए हाँ, ये साड़ी बाहरी तैयारी है। तो अंदरूनी तैयारी जो असी करते हाँ इतराफ करके पछतावा करके पाकमास की कुरबानी दे विच ते सचमुच दिलों तैयार करते हैं तो असली जश्न होंदा है। तो असी हुण वो असली जश्न मनाना है, पछतावा करके माफ़ी मंग के तैयारी करके शुद्ध मन नाल इस जश्न नूं मनाना है, जिस ते अज सानू पाठां दे द्वारा नवी उम्मीद नवे विश्वास की पक्याई अते खुदा विच जुटन दे संदेश नूं अपनी जिंदगियां विच लागू करना है। ते आओ असी अपने पापां ते माफ़ी मंगिए, सारे गुनाह गलतियां लई, सारियां कमियां कमजोरियां लई, एक दूजे नूं नाराज करन लई, एक दूजे दा दिल दिखाउण दे लई, जो भी असी किसे तरह भी पाप किया है उस नूं असी अपने दिल विच पछतावा करदे होए माफ़ी मंगदे होए इस पवित्र कुरबानी नूं चढ़ाइए अते इस ईद नूं पूरे जश्न नाल मनाइए। मैं एक बाल करदा पूरी कुदरत वाले खुदा ते बैना प्रावा दियोगे, मैं एक बाल करदा मैं एक बाल करदा आपने वडे दोष दिया, मैं एक बाल करदा तन सदा कुवारी मरियम ते सारे फरिश्ते संता गे ते पैरा प्रावा दिया गे, मेरे लिए खुदा के करो दुआ सारे मिलके, मैं आया तेरे द्वारे रहम करो प्रभु प्यारे, मैं एक बार करदा पूरी कुदरत वाले खुदा ते पैना प्रावा दियोगे, मैं एक बाल करदा मैं एक बाल करदा। पूरी कुदरत वाला खुदा साढ़े ते दया करे अते साढ़े गुनाहां नूं माफ करके सानू सिद्धि वी जीवन तक पहुंचावे, आमीन। तिथो प्रभु एहो बेनती, तिथो प्रभु मेरी एहो दुआ, दया करो दया करो, होवे तेरा नित्य आसरा, तिथो मसीह एहो बेनती, तिथो मसीह मेरी एहो दुआ, दया करो दया करो, होवे तेरा नित्य आसरा, तिथो प्रभु एहो बेनती।
धरती उते नेकनी अति लोका दे विच शांति स्वर्ग दे विच वड़िया आई गुणे असी तेरे गौंदे आते तने तने तेनु कहंदे करदे तेरा असी कर दे सुर्ग दिपातिशा खुदा बाप कुदरत वाले खुदा सुर्ग दे विच वड़िया आई यीशु मसीह इकलौते बेटे बाप दे बेटे प्रभु खुदा बाप दा बेटा दुनिया दे पापा नू चुक ले जांदा है मिले ता सुने ले साड़िया तू बाप दे सज बैठा है दिया तू करी हुनी साड़ी उते तू ही पाके चाहे आए खुदा आए मसीहा शानी विच तू बाप ते रूपा किना सुर्ग दे विच वड़ियाई महिमा ओ वे खुदा दी धरती उते अति लोका दे विच शांति स्वर्ग दे विच वड़िया आई अज दी पाक मास दी कुरबानी असी ब्रदर स्टीफन अते उन्हां दे परिवार लई चढ़ाउंदे हां। आओ असी रल के प्रार्थना करिए। ऐ खुदा प्रभु यीशु मसीह दे जलाली रूपांतरण विच तू ईमान दे भेदा नूं नेम अते नबियां दी गवाही नाल पक्के अते सच्चे सिद्ध कीता अते नाल ही तेरे बच्चियां वचों साढ़े अपने गोद ले जान नूं बड़े अनोखे ढंग नाल पहला ही ऐलान किया। बख्श दे कि असी तेरे अत प्यारे बेटे की बाणी नूं सुनीए तां जो असी उस दे नाल अनंत जीवन दे वारस बन जाइए जो तेरे नाल रूह पाक की एकता विच एक खुदा जीवंदा ते राज करदा है सदा तों सदा तीकर आमीन। पाठ पहला दानियल नबी दा ग्रंथ 7:9-10 आयत 13-14 आयत। हजारा लोग उसकी सेवा कर रहे सन। मैं जो देख रहा सी तां उत्थे सिंघासन रखे गए जिन्हां उत्ते वह पुरख बैठा होया सी। वह अनंत जिउंदा है उसके कपड़े बर्फ वांग चिट्टे हते उसके वाल शुद्ध चिट्टी उन दे वांग सन। उसके सिंघासन पहिए अग वर्गे सन जो अग दी लाटा उत्ते चल रहे सन। उसके सिंघासन तो अग दी नदी वग रही सी। हजारा लोग उसकी सेवा कर रहे सन अते लखां उसदे सामने खड़े सन। तद अदालत दा काम शुरू होया अते बहुत सारी पोथियां खोलियां गईयां सन रात दे दर्शन विच। मैं मनुख दे वर्गा एक प्राणी देखिया उसनू बदला ने केरिया होया सी अते वह मेरे वल आ रहा सी। तद वह अनंत जिउंदे मनुख वल गया अते उसदे सामने पेश कीता गया। उसनू शक्ति आदर अते शाही अधिकार दिते गए तां जो उह सब कौमां जातां अते भाषावां दे लोग उसकी सेवा करन। उसकी शक्ति का कोई अंत नहीं अते उसका राज हमेशा कायम रहेगा। ये प्रभु दी बाणी है। दादा शुक्र होवे।
खुदा वहदा तो लश्करा दा खुदा है खुदा वहदा तो लश्करा दा खुदा है टिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है टिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है मेरी जाने जानी तेरी बरगानू मेरी जाने जानी तेरी बरगानू मेरा मन मेरा धन भी करे दसना है मेरा मन मेरा धन भी करे दसना है खुदा वंदा तू लश्करा दा खुदा है टिकाना तेरा मैनू चंगा लगा आटे राते चिड़िया ने आल ना पाया आटे राते चिड़िया ने आल ना पाया बनाई ओ ना वोटा दी रहन दी थाने बनाई ओ ना वोटा दी रहन दी थाने खुदा वंदा तू लश्करा दा खुदा है खुदा वंदा तू लश्करा दा खुदा है टिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है टिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है। पाठ दूसरा संत पत्रस दा दूसरा पत्र उहदा एक बाप 16-19 आयत। असी आप यह आवाज़ स्वर्गों आउंदी सुनी जदों असी तुहानू साडे प्रभु यीशु मसीह दी सता अते आमद बारी दस्या सी तां असी चतुराई दे नाल बुनी हुई मिथ्या कहानी दा सहारा नहीं लिया सी सगों असी चशमदीद गवाह हाँ जिन्हां उस दे प्रताप नूं देखिया सी क्योंकि उसनू खुदा बाप वल्लों सन्मान अते महिमा मिली जदों प्रतापी महिमा वल्लों एक आवाज़ उस तक यह कहंदी आई यह मेरा बेटा है मेरा प्यारा जिस तो मैं बहुत खुश हाँ। असी आप यह आवाज़ स्वर्गों आउंदी सुनी जदों असी उस पवित्र पहाड़ उत्ते खुद उस दे नाल मौजूद सा इस नाल नबूवती वचन साडे लई होर भी यकीनी पक्का हो गया। इस वल ध्यान देण नाल तुसी चंगा करोगे जिवें हनेरी थां विच चमकण वाले दीवे वल जद तक कि पहु नहीं फुटदी अते तुहाडे दिलां विच प्रभात दा तारा नहीं चढ़दा। ए प्रभु दी बाणी है। खुदा दा शुक्र होवे। हालेलुया 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 जे तू बोणी शिवा नारा हालेलुया ला जे तू बोणी ए शिवा नारा हालेलुया ला नवी जिंदगी देवेगा तेनू यीशु बादशाह नवी जिंदगी देवेगा तेनू यीशु बादशाह हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु तुहाड़े नाल होवे अते तुहाड़ी रूह नाल भी होवे। पाठ पवित्र अंजील ला संत मत्ती दे अनुसार तुहाड़ी वडियाई होवे आए प्रभु। उसदा सतारा बाप एक ए तो लेके नौ ए तक छे दिनां बाद यीशु ने पत्रस अते याकूब अते उसदे भरा यूहन्ना नू आपने नाल लिया अते उन्हां नू एक ऊंचे पहाड़ उत्ते अलग ले गया।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸਦਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਸਦਾ ਮੂੰਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਾਂਗ ਚਮਕ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਾਂਗ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਅਚਾਨਕ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਏਲੀਆ ਯੇਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਯੇਸੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 3 ਤਾਬੂ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਮੂਸਾ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਏਲੀਆ ਲਈ। ਅਜੇ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚਮਕੀਲਾ ਬੱਦਲ ਛਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਿਯ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਸੁਣੋ। ਜਦੋਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਭਰਨੇ ਡਿੱਗੇ ਅਤੇ ਕੇਫ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। ਪਰ ਯੇਸੂ ਨੇ ਆਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂਹੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਉੱਠੋ ਨਾ ਡਰੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਕਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਯੇਸੂ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਉਤਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਯੇਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਦੱਸਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਾ ਜੀ ਉੱਠੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਾਕ ਅੰਜੀਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ ਅਏ ਮਸੀਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲੇ, ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰੂਪ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਰੂਪ ਦੀ ਝਲਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਹ 3 ਚੇਲੇ ਧੰਨ ਹੋਏ ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ? ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ, ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਏਲੀਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਕਾਹਦੀ? ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਆਇਆ ਉਸਨੇ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨੇ। ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ 10 ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸਰਾਇਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੂਸਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵਿਧੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਮੂਸਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਰੇਗਾ। ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਨਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਉਹ ਨਬੀ। ਇਸ ਲਈ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਉਣ 'ਤੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ 'ਤੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮਰਨ 'ਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੁੱਟਣ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਏਲੀਆ
समझ लो पुराने नेम नूं इत्थे हाजिर करदे ने ते सानू इह सुणन लई मिलदा कि नवा नेम जिहड़ा उह पुराने नेम की पूर्ति है। पुराना नेम जिहड़ा उह नवें नेम दे विच संपूर्ण हुंदा क्योंकि नवें नेम यीशु मसीह नवें नेम दे विच अपने आउण नाल अपनी कुरबानी नाल सानू मुक्ति दिंदा है। इसलिए एलिया दा अते मूसा दा यीशु मसीह नाल खड़े होना जरूरी सी पर यीशु मसीह इन्हां दोनों तो वड्डा है, इन्हां दोनों तो पहला है। तो इसलिए जो असीं रूपांतरण बारे गल करिए, तुसीं रूपांतरण तो की समझदे हो कि यीशु मसीह दा चेहरा यीशु मसीह दा रूप बदल गया बस इहदे विच सारा कुछ हो गया? नहीं, रूपांतरण का मतलब कि तुहाडा विश्वास जो किया है उन्हों मजबूत करो, पूरा होने वाला है। जिहड़ी उम्मीद तुसी अनंत जीवन विच रखी है उसनों पक्या कर लो, वह पूरी होने वाली है। तुहाडे मन विच कोई शक नहीं रहना चाहिए, तुहाडे ईमान बारे तुहाडा शक नहीं होना चाहिए क्योंकि तुसी सचमुच स्वर्गी झलक देख चुके हो। जो डैनियल ने पहले पाठ विच सानू दस्या उन्हें स्वर्ग विच देखी, असी धरती उत्ते देख ली। इसलिए हुण तुसी अपने विश्वास ते शक करोगे, करोगे कि नहीं? होना नहीं चाहिए। जो तुहाडी उम्मीद है स्वर्ग विच असी जाना है वह पक्की हुंदी है कि नहीं? क्योंकि तुसी सचमुच वह सारा कुछ इस धरती ते देख रहे हो। तो साडा रूपांतरण फिर की है? साडा रूपांतरण यह है कि जो असी विश्वास किया है उन्हूं मन्नीए, उन्हूं मन्नीए यीशु मसीह नूं सचमुच खुदा का पुत्र करके जानिए। अते जो यीशु मसीह नूं खुदा का पुत्र मानता है वह अनंत जीवन का हकदार, हकदार साडे राइट्स बन जाते। बपतिस्मे दे द्वारा साडा जीवन साडा नाम जिहड़ा असली किताब विच लिखा जांदा अते विश्वास करन नाल असी उस जीवन दे हकदार बन जांदे हां। जिस जीवन दे तुसी हकदार हो उहदी झलक तुहानूं अज यीशु मसीह ने सानूं सिखाती है। जिहड़े चेले सी जदों यीशु मसीह नाल चलदे फिरदे सी उह यीशु मसीह नूं की समझदे सी? गुरु समझदे सी, पर उह इक राजनैतिक शख्सियत मानदे सन कि शायद हो सकता यीशु मसीह साडे वल्लों लड़ूगा, यहूदी कौम वल्लों लड़ूगा तो इन्हों आज़ाद कराएगा। उन्हों का सिर्फ माइंड एक राजनैतिक शख्सियत तक सीमित सी, पर अज उन्हों दियां अखां खुल जांदियां ने। जो देखते हैं वो राजनैतिक नहीं है, वो रूहानी है, संपूर्ण रूहानी, सारे तौर पर रूहानी है क्योंकि यीशु मसीह अज अपनी अपना खुदाई रूप उन्हां चेलियां ते प्रगट करदा। तो इसलिए चेलियां दा जिहड़ा मन सी जिहड़ी सोच सी वह बदल गई। यीशु मसीह खुदा है, यीशु मसीह खुदा दा पुत्र है। उन्होंने बाइबल विच पत्रस ने भी कई बार कहा कि प्रभु असीं किहदे कोल जाइए, तुहाडे कोल तां अनंत जीवन दे शब्द हन, पर अज उन्होंने अपनियां अखां नाल देख लिया, जो विश्वास किया उन्हें देख लिया, उन्हां दे मनां विच्चों हर तरह का शक निकल गया। हुण यीशु मसीह उन्हां लई एक आम लीडर, दुनियावी लीडर, राजनीतिक लीडर नहीं है, वो एक खुदाई रूप है, खुदा दा पुत्र है। तो सानू उसकी सुननी चाहीदी है। हुण जे मैं तुहानू कहां कि तुहाडे विच की रूपांतर आया, एक बहुत वड्डे लिखारी होए ने जिन्हां ने बहुत सारिया किताबां लिखिया पर थोड़ी उम्र विच ही परोहित सी मर गए, एंथनी डी मेलो। वो एक कहानी दसदे ने कि साडे च रूपांतरण की होना चाहिए। एक बंदा कहिंदा परमात्मा मैनू इन्नी बुद्ध दे, ताकत दे, मैं सारे संसार नू बदल दां। 25 साल गुजर गए, कुछ भी नहीं होया। फिर कहिंदा परमात्मा मैनू इन्नी शक्ति दे, मैं अपने आले दुआले दे बंदे नू बदल दां।
फिर कुछ नहीं होया। फिर जो बुजुर्ग हो गया कहिंदा परमात्मा कुछ नहीं होया हुण मैं अपने आप नूं बदलना। जदों उन्हें अपने आप नूं बदलिया उहदी सारी जिहड़ी सोच उहदी निगाह उहदा सारा कुछ बदल गया। उन्हूं सारा कुछ वधिया लगन लग गया, उन्हूं लगन लग गया दुनिया बदल गई। इसलिए साढ़े ते जो रूपांतरण आ वो असी बदलना अपने आप। तुसी किसे नूं नहीं बदल सकते, पहला अपने आप नूं बदलो तो सारा कुछ तुहाडे लई बदल जाएगा। इसलिए वो बंदे ने खुदा को ताकत मंगी, प्रभु मैनू इन्ना बल दे मैं सारी दुनिया नूं बदल दा, पर कोई नहीं बदलिया। मैनू इन्नी शक्ति दे मैं अपने पिंड दे बंदे नूं बदल दा, कोई नहीं बदलिया। पर कहिंदा प्रभु हुण मेरी जिंदगी थोड़ी जी रह गई है, मैनू शक्ति दे मैं अपने आप नूं बदलना। जदों ने बदलिया सारा कुछ बदल गया। राजां दी दूसरी पुस्तक दे विच छे बाप विच असी सुन सकते कि आर्मेनियन की फौज एक बारी अलीशा नबी नूं घेर लैंदी है। तो जिहड़ा अलीशा नबी का सेवक हुंदा वो कहिंदा गुरु जी सारे लोग सानू घेर लिया, सानू मारन लई आ गए, पर अलीशा नबी चुपचाप शांत रहिंदा है क्योंकि उन्हूं पता सी कि खुदा उहदे नाल है। वो फिर सेवक कहिंदा अखां खोल के देखो सारे पासे सानू घेर लिया है। पर जदों अलीशा ने अपनी अखां खोलियां, अलीशा नबी ने, उन्हें स्वर्गी फौज देखी। स्वर्गी फौज चार सपेरे अते थोड़ी देर बाद देखा कि जिहड़ी आर्मेनियन फौज ने उहदे ते हमला किया सी वो कोई भी नहीं बचिया उहनां तों। अते ये दोनों अलीशा नबी ते उहदा सेवक बिल्कुल सही सलाम सन। ये रूपांतरण से अलीशा नबी देख रहा सी कि खुदा उहदी रक्षा कर रहा, खुदा उहनूं बचा रहा, उहनूं कुछ नहीं होया। तो इसलिए साढ़े विच रूपांतरण होना चाहिए, साढ़े विच बाहरी रूपांतरण नहीं होना चाहिए, अंदरूनी रूपांतरण होना चाहिए। साढ़े कोल प्रभु येसु मसीह के रूपांतरण के कई होर चमत्कार हैं। अज तुसी गिरजाघर विच बैठे इत्थे एक चमत्कार होने वाला है, केड़ा? पाकमास विच एक चमत्कार होने वाला, कुछ पता लगता? आ जिहड़ी रोटी रखी है तुसी आम है, आ जिहड़ा दाखरस रखी है ये भी आम है, अंगूरी मैं है। पर जदों शब्द वो बोले जाणगे जो प्रभु येसु मसीह ने आखरी खाने वेले बोले सी तो की होगा? तो चमत्कार होया कि नहीं? तुसी इस नूं मानते हो कि चमत्कार हुंदा साढ़े सामने? जो तुसी बपतिस्मा लिया सी, जो बपतिस्मे की तलीम सीखी सी उहदे विच तुसी की सीख्या कि बपतिस्मे दे नाल सानू एक अंदरूनी, हर सैक्रामेंट विच अंदरूनी फजल मिलता, पर बपतिस्मे दे नाल सानू नवा जीवन मिलता है, असी पाक साफ हो जाने, मरूसी गुनाह तो साफ हो जाने, असी खुदा दे बच्चे बच्चियां बन जाने, साडा नाम हमेशा दी जिंदगी दी किताब विच लिखिया जांदा। की होया? ये की होया? चमत्कार होया। तुसी जो पाप दी हालत विच जन्मे, जो तुसी गुनाह दी, आदम दे गुनाह दे अधीन आ गए, वो सारा कुछ चक दिता गया। इस तरह हर एक सैक्रामेंट विच एक चमत्कार हुंदा। जिहड़ा सैक्रामेंट मर्जी ले लो, इस्तकलाल विच तुसी की रिसीव करदे हैं, ग्रहण करदे हैं? पक्याई, विश्वास दी पक्कीचकी, पवित्र आत्मा की मोहर तुहाडे उत्ते लग जाती है, तो तुसी की बनते हैं? चेले, खुदा दे गवाह बन जाने हैं। तुसी बनते हैं कि नहीं वो मैनू पता नहीं, पर इहदा मतलब ये है कि इस्तकलाल दे सैक्रामेंट लैण नाल असी अपने विश्वास विच मजबूती पाने हैं, असी प्रभु दे गवाह बनते हैं। पाक शराकत लैन नाल साड़ी स्वर्गी यात्रा विच सानू मदद मिलती है, चमत्कार है।
इतराफ करन नाल साडे पाप माफ हो जाते ने असी फिर नवे प्राणी बन जाने। सारे सैक्रामेंट विच इक चमत्कार हुंदा जे असी उहनां नूं विश्वास नाल लईए, जे पूरे होश नाल, जे पूरी सोच समझ नाल इन्हां सैक्रामेंटां ते गौर करिए। पाक यूक्रिस्त विच प्रभु यीशु मसीह दा बदन ते लहू सानूं मिल जांदा, इह वी इक चमत्कार है। हुण इह ते सारे चमत्कार यीशु मसीह दे ही आ, क्योंकि सैक्रामेंट भी यीशु मसीह ने सानूं दित्ते आ। हुण साडे विच किहड़ा चमत्कार होना चाहिदा, उह होना अज तुसीं दसणा है कि साडे च की चमत्कार आ सकदा। जिहड़े अज तुसीं झलक देख लई, अज तुहाडा विश्वास दिखना चाहिदा, तुहाडे चेहरियां ते खुशी होनी चाहीदी आ कि जो मैं विश्वास करदा वह व्यर्थ नहीं जाऊगा। संत पौलुस सानूं दसदे कि जे यीशु मसीह मुरदिआं विचों ना जी उठदे तो साडा विश्वास की सी? व्यर्थ। यीशु मसीह मुरदिआं विचों जी उठे, साडे लई एक नवे जीवन की वादा मिल गया आ, तो इसलिए साडा विश्वास व्यर्थ नहीं है। अज की झलक जो रूपांतरण की सानूं मिलती है वह साढ़े विश्वास का जशन होना चाहिए, वह खुदा दे प्यार का साढ़े लिए जशन होना चाहिए, वह साड़ी उम्मीद की पक्याई होनी चाहिए है। ये जशन अज थोड़े विच जे आंदा है, जे तुसी फील करते हो कि मैं तो स्वर्गी झलक देख रही है, जिदे लिए मैं तैयारी कर लिया, जिदे लिए मैं चंगे काम करदा, जिदे लिए मैं नेकियां कर रहा, जिदे लिए मैं माफिया मांग रहा, जिदे लिए मैं चर्च विच सेवा करदा, जिदे लिए मैं एक अपने परिवार को सही जीवन दे रहा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सानू दस्या है कि असी चंगा जीवन बसर करिए, रूहानी जीवन बसर करिए, ताकि असी स्वर्ग विच चले जाइए। तो इसलिए रूपांतरण सानू एक स्वर्गी बच्चे बच्चियां होने का जो वादा साडे नाल फिर नरवाया करता है। तुसी अज फिर कह सकते हो कि हाँ, मैं स्वर्ग विच खुदा दे राजधाम विच बैठांगा, मैं स्वर्ग विच एक वाइट कपड़ियां दे विच जावांगा। एक जगह है मेजिगोरी यूरोप दे विच, उत्थे मां मरियम बच्चों नाल गल्लां कर दिंदी। सो बच्चे से पहला हुण तो 40-40 साल दे हो गए, उन्हां दे भी बच्चे हो गए। तो मैं एक वो जिन्हां नाल गल्लां करदे विशका उन्हां नूं मिलिया सी, जिन्हों मां मरियम ने सारा कुछ दिखाया सी। मां मरियम उस लेडी विशका नूं अपने नाल लैके स्वर्ग भी दिखाउंदी है, नरक भी दिखाउंदी है, इराफ भी दिखाउंदी है। स्वर्ग विच वो अग देखदी है, इराफ विच एक धुंद वांग आ, ते स्वर्ग विच एक बहुत ही शांतमय माहौल है। इसलिए सानू अज विश्वास कर लेना चाहिए स्वर्ग है। जे अज दे बाद तुसी फिर शक करो कि स्वर्ग है कि नहीं, फिर तुसी विश्वासी नहीं है किसी पास भी। अज दे बाद तुहाडे मन विच स्वर्ग है कि नहीं, किन्ने वेख्या, कोई मुर्दियां विचों किहड़ा उठ के आ गया, ये प्रश्न तुहाडे मन विच नहीं आने चाहिए। तुसी यीशु मसीह नूं स्वर्गी झलक विच देखिया। डैनियल नबी दा जो दृश्य, उन्हें स्वर्गी झलक नूं देखिया, स्वर्ग विच फैसले हो रहे ने लोकां दे। धरती उत्ते प्रभु यीशु मसीह नूं एलिया नबी मूसा मिलन आ गए ने। तां फिर अज दे बाद शक आऊगा तुहानूं कि नहीं, मैनूं दसो। जे इहदा जवाब तुसीं देता तां बस तुसीं सफल आ। हुण तुसी स्वर्ग ते शक करोगे जां नहीं? नहीं, नहीं होना चाहिदा। तुसी यीशु मसीह नूं स्वर्ग दी झलक विच देख लिया, ते जे तुसी शक करदे तो स्वर्ग च कदी जाओगे भी नहीं। आमीन। आओ असी अपने ईमान दा ऐलान करिए अते सारे रल के आखिए रसूलां दा कलमा। मैं खुदा उत्ती मां रखती हाँ, जिहड़ा बाप पूरी कुदरत वाला आसमान ते जमीन दा पैदा करन वाला है। मैं यीशु मसीह उत्ती मां रखती हाँ, जिहड़ा उसदा इकलौता बेटा ते साडा खुदावंद है। रूपात दी कुदरत नाल कुआरी मां मरियम दे घर विच पिया, उस तों जम्मिया, उसने पैंतुस पिलातुस ते ऐद वी दुख उठाया, सलीब उत्ते चढ़ाया गया, मारिया ते दबिया गया, परचक विच उतरिया, तीसरे दिहाड़े मुरदिआं विचों जी उठिया,
आसमान से चढ़ गया। खुदा बाप पूरी कुदरत वाले दे सज्जे आचा बैठा जिथो जिंदिया ते मुर्दिया दा इंसाफ करे लई फिर आवेगा। मैं ईमान रखती हाँ रूपाक उत्ते एक पाक कैथोलिक कलीसिया पाक लोका दी शाकत गुनाहां दी माफी जिसम दा जीवना हमेशा वाली जिंदगी उत्ते आमीन। है प्रभु खुदा तू सानू सारे नू इत्थे इकट्ठिया कीता है ताकि असीं तेरी उस्तत ते वड्याई करिए अते तेरे बेटे ते विश्वास रखते हुए कि वह सचमुच खुदा बाप तेरा बेटा है उस विश्वास नू पक्या करते हुए असीं इत्थे इकट्ठे होए हाँ। असीं अपनी आप होर लोड़ां मिन्नतां वी तुहाडे अगे पेश करते हाँ अते तुहाडी मदद अते सहायता मंगते हाँ। साडा अनुवचन है ऐ प्रभु साडी दुआ सुन। ऐ प्रभु साडी दुआ सुन। पाकलीसिया दे सारी धार्मिक आगू अते ईमानदार एकता दा एहसास करन एक दूजे दा आदर करन अते एक दूजे दे लई दुआ करना सीखन। अनुवचन ऐ प्रभु साडी दुआ सुन। इस अलतार दे सामने हाजिर सारे ईमानदारां दे लई असीं दुआ करिए कि असीं सारे वखरे होण ते वी पाक तसलीस वांग एक होना सीखिए अते इकट्ठे समर्पण भाव नाल अगे वधिए। अनुवचन ऐ प्रभु साडी दुआ सुन। हौसी प्रार्थना करिए मणिपुर दे लोकां लई जो अपने विश्वास की खातर कई दुख तकलीफां परेशानियां विचों गुजर रहे ने दुखी हन परेशान हन पर फिर भी वो अपने ईमान विच मजबूत हन आओ उन्हां दे विश्वास की मजबूती लई प्रार्थना करिए अते उन्हां ते जो भी अत्याचार हो रहा है उस नूं खत्म होण दे लई खुदा दे अगे अरदास करिए ताकि मणिपुर दे विश्वासी लोग इस दुखां पीड़ां चों निकलदे होए अपने विश्वास नाल जुड़े रहिंदे होए सही सलामत शांति माहौल विच आ जाण। अनुवचन आए प्रभु साडी दुआ सुन। असीं प्रार्थना करते हाँ उन्हां लोकां लई जो अपने विश्वास विच कमजोर हो गए हैं अज दा त्यौहार अज दी ईद उन्हां दे विश्वास नूं फिर बहाल करे स्वर्ग राज विच पहुँचन दे लई उन्हां नूं उत्साहित करे अते अपने विश्वास विच फिर मुड़ बहाल होण दे लई उन्हां नूं शक्ति देवे। अनुवचन आए प्रभु साडी दुआ सुन। असी प्रार्थना करते हैं साडे पैरिश प्रिस्ट फादर सुरेश लई साडी पैरिश की हर एक परिवार लई हर एक जी लई बच्चों लई सियाणियां लई बजुर्गों लई नौजवानों लई ये पैरिश हमेशा आपसी एकता विच आपसी प्यार विच वधदी होई अपने ईमान नूं अग्गे रखदी होई अपना जीवन बसर करे। अनुवचन आए प्रभु साडी दुआ सुन। उसे अपने रिश्तेदारां नूं भैन भरावां नूं मापिआं नूं परउपकारियां नूं लोड़वंदां नूं बीमारां नूं सारिआं नूं याद करिए ताकि प्रभु दी शक्ति प्रभु दा रूप जो सानूं खुदाई रूप देखण लई मिलिआ है उहनां सारिआं ते अते साडे ते हमेशा चमके। अनुवचन आए प्रभु साडी दुआ सुन। माँ मरियम साड खुदा दी माँ है तो साड़ी भी माँ है इसलिए माँ मरियम की सिफारिश मंगते हुए अपनिया अर्जा मिन्नतां जो असी पेश कीतियां हन माँ मरियम की सिफारिश राही खुदा बाप दे अगे पेश करिए अते आखिए सलामे मरियम फसल नाल भरी हुई खुदावन तेरे नाल है तू औरता विचों धन है नारे तन है तेरी कुखदा फल यीशु आए हजरत मरियम खुदा दी माँ ऐसा गुना कर ले दुआ कर है प्रभु खुदा जो भी प्रार्थनावां अर्जा मिन्नतां सी तुहाडे अगे पेश कीतियां हन अते जो हुण असीं नजराने तुहाडे अगे छड़ाउण वाले हाँ इन्हां सारिआं नूं कबूल कर अते सानूं अते उन्हां सारिआं नूं बरकत दे जिन्हां नूं हुण असीं याद कीता है साडे प्रभु यीशु मसीह दे राहीं आमीन। तारीफ दा मैं देवा बलिदान भले आया जदों याद करां तारीफ दा मैं देवा बलिदान भले आया जदों याद करां तारीफ दा मैं देवा बलिदान भले आया जदों याद
बेवफा आयो ना होया बेवफा मैं सा होया बेवफा आयो ना होया बेवफा मेरे राह विच रिहा नी गवा पले आया जदो याद करा तारीफ दा मैं दीवा बलिदा पले आया जदो याद करा तारीफ दा मैं दीवा बलिदा पले आया जदो याद करा तंगी मुसीबत आया जतवा होया डावा डोल बेड़ी दे समा तंगी मुसीबत आया जतूफान होया डावा डोल बेड़ी दे समा मेरा बाने के वाला उसने दिता किनारे ला मेरा बाने के वाला उसने दिता किनारे ला सारे दुखा तो बचाई मेरी जान पले आया जदो याद करा तारीफ दा मैं देवा बलिदान पले आया जदो याद करा जस ताया मैनू आके भुख पिया वांगरी लिया दे किता सीने जस ताया मैनू आके भुख पिया वांगरी लिया दे किता सीने पावे होवे भुखे शेर मैनू उसकी ताशी शेर पावे होवे भुखे शेर मैनू उसकी ताशी शेर चंगिया चीजा नाल किता सी जवा पले आया जदो याद करा तारीफ दा मैं देवा बलिदा पले आया जदो याद करा पले आया जदो याद करा प्राउत भैनों प्रार्थना करो कि पूरी कुदरत वाला खुदा साडा बाप मेरी अते तुहाडी इस कुरबानी नूं प्रवान करे प्रभु इस कुरबानी नूं तुहाडे हत्थां दे विचों अपने नाम दे उस्ते वडियाई लई साडे अते साडी पाक कलीसिया दे भले लई कबूल करे हे प्रभु तेरे तो उत्पन्न इकलौते बेटे दे जलाली रूपांतरण दे सदके इन्हां नजरानियां नूं शुद्ध कर उस दी महिमा दी नूरानी चमक नाल सानू रूह विच नवा कर दे साडे प्रभु यीशु मसीह दे राही आमीन प्रभु तुहाडे नाल होवे अते तुहाडी रूह नाल वी होवे तुसी अपने दिल प्रभु वल लगाओ असी अपने दिल प्रभु वल लगाउंदे हां असी अपने प्रभु खुदा दा धन्नवाद करिए ए सही अते योग है हे प्रभु पवित्र बाप पूरी कुदरत वाले अते अकाल खुदा ए सचमुच सही अते योग है मुक्ति पाउण दा राह है कि असी हर वेले ते हर थां यीशु मसीह अपने प्रभु दे राही तेरा धन्नवाद करिए उसने अपने चेलियां दे सामने अपनी खुदाई शान प्रगट कीती तां जो ईमान विच मजबूत हो जान अते सलीबी मौत दी ठोकर लई तैयार हो जान यीशु दी खुदाई शान उसदा साडे मनुखा वर्गा शरीर चमक पिया जो कलीसिया जो मसीह दा शरीर है ये जान लवे कि एक दिन वह भी इस शान दे भागी होवेगी इसलिए फरिश्तियां ते सारे संतां अते सारे स्वर्गीय लश्करां नाल मिल के असी तेरी महिमा दे गीत गाउंदे होए ये ऐलान करदे हां पाक 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 खुदा वसदा पाक 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 खुदा वसदा खुदा वंसदा लश्किरादा खुदा वंसदा लश्किरादा खुदा जमीन आसमान तेरी वडियाया नाले पड़िया है उच्चिया विचोसना जमीन आसमान तेरी वडियाया नाले पड़िया उच्चिया विचोसना होसना होसना होसना
ऐ प्रभु तू सचमुच पवित्र है अते ए सही है कि तेरी सारी सृष्टि तेरी वडियाई करे। तेरे बेटे साडे प्रभु यीशु मसीह दे राही अते रूप पाक दी कुदरत नाल तू सारे संसार नू जीवन बख्शदा अते पाक करदा है। तू लगातार अपने लिए प्रजा इकट्ठी करदा रहिंदा है तां जो चढ़दे सूरज तो लैके लैंदे तक एक शुद्ध कुरबानी तेरे पवित्र नाम दे लई चढ़ाई जावे। इसलिए प्रभु से हलीमी नाल तेरे अगे मिन्नत करते हैं कि अपनी मेहर नाल ओही रूप पाक दे राही इन्हां नसरानियां नूं पवित्र कर तां जो तेरे असी तेरी पाक हजूरी विच लैके आए हाँ तां जो तेरे बेटे साडे प्रभु यीशु मसीह दा बदन अते लहू बन जावे जिस दे हुक्म नाल असी इन्हां भेदां नूं मनाउंदे हां। जिस रात उसका विश्वासघात किया गया उसने रोटी ली अते तेरा धन्यवाद करदिआं बरकत दित्ती रोटी तोड़ी अते अपने चेलिआं नूं दित्ती ए कहिंदे होए तुसी सारे ये लाओ अते इस विचों खाओ क्यों जो ये मेरा बदन है जड़ा तुहाडे लई कुर्बान किया जावेगा। आए मेरे प्रभु आए मेरे खुदा। इसे तरह भोजन करने के बाद उसने प्याला लिया एक बार फिर धन्यवाद करदिया प्याला अपने चेलन दिता है कहिंदे होए तुसी सारे ये लाओ ते इस विचों पीओ क्यों जो मेरे लहू का प्याला है नवे ते सदीवी नेम का लहू जो तुहाडे ते बहुतिया वास्ते गुनाहां दी माफी लई वहाया जाएगा मेरी याद विच ये करया करो। आए मेरे प्रभु आए मेरे खुदा। ईमान दा भेद जदो असी रोटी खांदे हां अते इस प्याले विचो पींदे हां हे प्रभु असी तेरी मौत दा ऐलान करदे हां जद तक फेर तू ना जद तक फिर तू रहेगा। इसलिए प्रभु तेरे बेटे दे मुक्तिकारी दुख भोग उस ते जलाली जी उठन अते स्वर्ग विच चढ़ जान दी यादगारी मनाउंदे हां अते उस ते दूजी वार उन्नू उड़ीकदे होए तेरा धन्यवाद करदे हां जिउंदी ते पवित्र कुरबानी तेनू चढ़ाउंदे हां। असीं बेनती करदे हां कि तू अपनी कलीसिया दे चढ़ावे ते नज़र कर अते इस कुरबान होए लेले नूं पहचान जिस दी कुरबानी तो राजी हो के तू साडा अपने नाल मेल कराया है। बख्श दे कि इस तेरे बेटे दे बदन अते लहू नाल रजाए होए अते उस दे रूप पाक नाल भरपूर हो के मसीह दे विच एक शरीर अते एक रूह बन जाए। उस सानूं तेरे लई एक सदी वी नजराना बनावे ता जो असी तेरे चुनिया होया नाल
खास करके तन कुवारे मरियम खुदा दी माँ दे नाल उसे कुवार दे मुबारक वर संत यूसुफ दे नाल तेरे तनु रसूला नाल तेजस्वी शहीदा नाल अते तेरे सारे संतान नाल उन्हां दे वीरसे दे वारस बन जाए इन्हां वल तेरी हजूर विच लगातार कीती जाण वाली सिफारिश दी यकीन मदद उत्ते असी भरोसा रखते हाँ। ये प्रभु असी ये बेनती करते हाँ कि साढ़े मुड़ मिलाप कुरबानी सब दुनिया की शांति मुक्ति ले असरदायक होवे। तू कृपा करके इस धरती उत्ते फैली अपने यात्री कलसियां नू अपने सेवक साढ़े संत पापा फ्रांसिस नू साढ़े बिशप आग्नेलो नू कुल दुनिया के बिशपा पुरोहिता अते सब लोगों नू जिन्हां नू तू अपना बना लिया है ईमान अते प्यार विच मजबूत बनावन दी मेहरबानी कर। कृपा करके इस परिवार दिया प्रार्थनावां नू कबूल कर जिसनू तू अपने सामने सदन की मेहर कीती है। ए दयालु बाप संसार भर विच कलेरे होइए अपने सारे बच्चियां नू अपने कोल इकट्ठे करन दी कृपा कर। साढ़े मोए होए भेन भरावां अते उन्हां सारियां नू जिहड़े तैनू कुछ कर दियां इस संसार विचों छलान कर गई हन मेहर नाल अपने राज विच दाखल कर। उत्ते असी तेरी वड्डी शांति खुशी विच सदा निहल रहने की उम्मीद रखते हाँ। साढ़े प्रभु यीशु मसीह दे राही जिस दे राही तो दुनिया नु हरी चंगी दात बख्शदा है। ओ उस ते राही अते उस ते नाल अते उस ते विच ए खुदा पूरी कुदरत वाले बाप रूपाक दी एकता विच सब जलाल ते वड्याई तेरी ही है सदा तो सदा तीक आमीन। ए प्रभु यीशु मैं कर दी हाँ तेरी आराधना तेरी स्तुति तू मेरा जीवन तू मेरा सब कुछ तेरी आराधना तेरी स्तुति। अज असी पहले पाठ विच खुदा दे राज स्थान बारे देखिया खुदा दा राज देखिया है ते आओ असी हुण खुदा दा राज आउण लई दुआ करिए अपने दिलां विच अपने घरां विच अपने समाज विच अते इस दुनिया दे विच। आओ असी सारे रल के ओ प्रार्थना करिए जिहड़ी यीशु मसीह ने सानू सिखाई है। ऐ साडे बाप जड़ तू आसमान ते है तेरा नाम पाक मनिया जावे तेरा राज आवे तेरी मर्जी जिस तरह आसमान ते पूरी हुंदी है जमीन ते भी होवे साडे रोज दी रोटी आज सानू दे साडे कसूर सानू माफ कर जिस तरह असीं अपने कसूरवारां नू माफ करदे हां सानू अजमाइश विच ना पा सगो बुराई तो बचा। ए प्रभु असी प्रार्थना करते हैं सब बुराइयां तो सानू बचा अपने रहम नाल साडे दिनां विच शांति दे तां जो तेरी दया दी मदद नाल असी हमेशा गुनाह तो मुक्त रहिए अते हर मुसीबत तो सुरक्षित रहिए। जिवें मुबारक उम्मीद रखते हुए असी यीशु मसीह साडे मुक्तिदाता दे आउण दी उड़ीक करते हाँ। क्यों जो राज कुदरत ते जलाल युगो युग तेरा ही है। ए प्रभु यीशु मसीह तू अपने रसूलों नू आख्या मैं तुहानू शांति दिंदा हाँ अपनी शांति मैं तुहानू प्रदान करदा हाँ तू साडे गुनाहां नू नहीं सगो अपनी कलीसिया दे ईमान नू वेख अते उसनू अपनी मर्जी मुताबक शांति ते एकता प्रदान कर तू जो जिउंदा ते राज करदा है सदा तो सदा तिकर आमीन। प्रभु दी शांति सदा तुहाडे Yeah.
वेखो खुदा दा लेला इन वेखो जिहड़ा दुनिया दे गुनाह चुक लैंदा है। तन ओ हन जो सलेले दे भोजन लई सदे गए हन। आए प्रभु मैं इस योग दा नहीं हां कि तू मेरे साथ ले आवे, पर एक शब्द याक ता मेनू चंगी हो जावेगी। दुआवां पाक शक्त लैण तो पहला आए मुबारक मरियम, तेरा प्यारा बेटा रोटी अते दाखस दे रूप विच साडे दिलां विच आउण वाला है। साड़े लई दुआ कर ता कि असी भी तुहाडे वांगू उसनू मनिए अते प्यार करिए। आए संत यूसुफ जिस तरह तुसी मसीह नू पालिया है उसे तरह सानू भी उसकी सेवा करनी सिखो। आमीन। मेरे दिल विच आके वस जा, मैनू अपना बना ले मेरे शापिया। मेरे दिल विच आके बस जा, मैनू अपना बना ले मेरे शापिया। मेरे दिल विच आ, मैनू अपना बना, मेरे दिल विच आ, मैनू अपना बना। तेरे नाल हो जावेगी मेरी सास। मेरे दिल विच आके बस जा, मैनू अपना बना ले मेरे शापिया। मेरे दिल विच आके बस जा, मैनू अपना बना ले मेरे शापिया। वायदा है तेरा ए प्रभु, रोटी हमें जीवन दी। वायदा है तेरा प्रभु, रोटी हमें जीवन दी। खादा है ओ जीरा मैनू, मिलदी है अब दी जिंदगी। खादा है ओ जीरा मैनू, मिलदी है अब दी जिंदगी। जान मेरे दिल विच आके बस जा, मैनू अपना बना ले मेरे शापिया। मेरे दिल विच आके बस जा, मैनू अपना बना ले मेरे शापिया। मेरे दिल विच आ, मैनू अपना बना, मेरे दिल बना। तेरे नाल हो जावेगी मेरी सास। मेरे दिल विच आके बस जा, मैनू अपना बना ले मेरे शापिया। मेरे दिल विच आके बस जा, मैनू अपना बना ले मेरे शापिया। नवीन है ईशु तेरा पाक लहू, नवीन है ईशु तेरा पाक लहू। तो दिंदा सब गुनाहानू, ईशु तेरा पाक लहू। तो दिंदा सब गुनाहानू, ईशु तेरा पाक लहू। मेरे पाप मिटा मेनू शक्ति दवा, मेरे पाप मिटा मेनू शक्ति दवा। मेरा दिल होवे शुद्ध सदा, मेरे दिल विच आके बस जा, मैनू अपना बना ले मेरे शापिया। मेरे दिल विच आके बस जा, मैनू अपना बना ले मेरे शा।
पिया मेरे दिल विच आ मैनू अपना बना मेरे दिल विच आ मैनू अपना बना तेरे नाल हो जावेगी मेरी सांस मेरे दिल विच आ के बस जा मैनू अपना बना ले मेरे शापिया मेरे दिल विच आके वस जा मैनू अपना बना ले मेरे शापिया पाकशाह लैन दे पिछों दुआ सिजदे दामल आई लाही यीशु जेरा सचमुच मेरे दिल विच आया है मैं सारिया फरिश्तिया अते पाक लोका नाल तेनू सिजदा करदी हाँ तू मेरा खालिक अते मालिक है तेरी बुजुर्गी वडियाई अते बंदगी सदा तिकर अते सारी जमीन दे कंडिया तिकर कीती जावे आई मेहरबानी यीशु मैं तेरी अहमता दे बदले तेनू की देवा मैं काख ते मिट्टी किसदा तेरा शुकर करा मैं तेरी अहमता दे गीत सदा गावांगी मैं अपने बदन अते रूह ख्यालां ते दलीलां गल्लां ते कम्मां खुशियां ते दुखां नाले जिंदगी अते मौत नूं तेरी नज़र करदी हाँ मेरे बदन नूं लै लै इस दे विच वास अते इस नूं सब गुनाहीं शैवां तों साफ रख मेरी मर्जी नूं लै लै अते इस नूं अपनी मर्जी उत्ते चला मेरी याद नूं लै लै अते इस दे विच रिहा कर तां जो मैं तेनू कदी ना भुलना मेरी अकल नू लै लै इस नू वधा तां जो मैं तेनू वधीक जाना अते प्यार करा मैनू सारियां नू लै लै तां जो मैं सब कुछ तेरे ही प्यार वास्ते करिया करांगी आमीन आई रूह मसीह दी मैनू पाक कर आई बदन मसीह दे मैनू बचा आई लहू मसीह दे मैनू खुशी नाल रजा ऐ पानी मसीह दी बखी दे मैनू तो दे ऐ दुख मसीह दे मैनू मजबूत कर ऐ रहीम यीशु मेहरबानी नाल मेरी सुन मैनू अपने जख्मां विच छिपा लै मैनू अपने कोल वख ना हो दे मैनू शैतान वैरी तो बचा अते मरण दे वेले मैनू अपने कोल बुला मैनू अपने कोल आउण दा हुक्म दे तां जो मैं तेरे पाक लोकां नाल सदा तिकर तेरी वडियाई करदी रहां ऐ नरम दिल यीशु मेरे दिल नूं अपने दिल वांग हलीम अते नरम बना दे आमीन जदों ओ प्रगट होवेगा तां असीं उस जिहे बन जावांगे क्योंकि असीं उस नूं हूबहू देखांगे जिस तरह कि ओ है असीं प्रार्थना करिए ऐ खुदा साढ़े बाप जो स्वर्ग की रोटी असी हासिल की है सानू तेरे इकलौते बेटे यीशु मसीह की शकल विच बदल देवे जिसने अपनी महिमा दे भेद नू अपने रूपांतरण राही प्रगट किया है वो जो जीवंदा ते राज करदा है सदा तो सदा तिकर आमीन प्रभु तुहाडे नाल होवे अते तुहाडे रूह नाल भी होवे पूरी कुदरत वाला खुदा बाप बेटा अते रूह पाक ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਵੇ ਆਮੀਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਛੜਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਏ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ ਦੁਆ ਯਾਦ ਕਰ ਆਈ ਨਹਾਇਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕੁਆਰੀ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਪਰ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪਨਾਹ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਆਈ ਕੁਆਰੀ ਕੁਆਰੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ तेरे के खलो के मैं गुनाही रोंदी हाँ आई थी तरी हुई कलाम दी माँ मेरी अर्ज जनों की ना जान सगो मेर पर नाल सुनी अते कबूल करी आमीन शांति दी रानी मुबारक माँ मरियम साडे लई दुआ कर हालेलुया 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 असी सारे ही आज बहुत खुशी दा दिन मान रहे हैं कि जिहड़े साडे फादर साहिबान फादर मार्टिन सादिक जी प्रार्थना भवन टीवी तो खास अपने जीवन का एक खास दिन जिदे विच फादर जी का अज सिल्वर जुबली डे है क्योंकि अपने जीवन के
कीमती 25 साल फादर जी ने इस कलिसिया की सेवा ली बिताए ने। जे आम तौर पर ही गल करिए तो साढ़े लिए भी आम एक बंदे लिए बड़ा मुश्किल होंदा क्योंकि अं हफ्ते च एक दिन चर्च आना होंदा उहदे लिए भी साडे लिए टाइम कितने अगे पिछे हो जाए तो अं वेखदे कि आपां वापस भी जाना वा साडा ध्यान की है घर वल होंदा। तो फादर जी का बहुत बलिदान होंदा कि अपने जीवन के जिहड़े 25 साल ने इन्हां ने पूरी कलिसिया दे लई सेवा दित्ती आ। असीं सारे जाने जोरदार तारियां मारदे फादर जी का धन्नवाद करदे आ ते नाले ही फादर जी नूं वधाई भी दिंदे आ कि फादर अगे जी लई प्रार्थना करदे आ सारे मिल के अपनी कलिसिया वल्लों अपने पूरे पैरिश कौंसल वल्लों मैंबर वल्लों मरियम सैना वल्लों कि फादर जी इसे ही तरह कलिसिया की सेवा करते रहन। तो फादर जी आने वाले सालों में असी प्रभु अगे प्रार्थना करांगे कि गोल्डन जुबली भी साढ़े इतने पैरिश आके मनाउन सारे जने जोरदार तारियां मार कि प्रभु इन्हां नूं इन्नी शक्ति देवे कि ये कलिसिया की जिस तरह सेवा कर रहे हैं उस तरह ही करते रहन। तो प्रभु इन्हां नूं होर भी लंबी उम्र देवे कि यह गोल्डन जुबली भी साढ़े ही पैरिश में आके मनाउन। हुण असी फादर जी अगे बेनती करते हैं कि फादर जी अगे आ जान तो कुछ साड़ी पैरिश कौंसल वल्लों साडे पैरिश दे मरियम सैना वल्लों यूथ मैंबर वल्लों पूरी पैरिश वल्लों फादर जी लई कुछ असी धन्नवाद दे तोहफे देने आ कि फादर जी ने जो कीमती समा कढ़दे होए साडे विच आए ने। असी सब तो पहले अपने पैरिश कौंसल दे प्रधान फ्रांसिस भाजी अगे मैं वीना तो पैरिश कौंसल दे मैंबर अगे करांगे बेनती कि वह अगे आके फादर जी ने नोटमाला पा के फादर जी का साड़ी पैरिश विच आउण ते शुक्रिया धन्नवाद कर सारे जने जोरदार तालियां मारियो। बाद असी बेनती करते हैं यूथ मैंबर अगे कि वह भी अपने लो लिया हुए उपहार फादर जी अगे पेंट करनगे। यूथ मैंबर अगे आन ते गर्ल्स ते बॉयज सारे यूथ इकट्ठे होकर फादर जी लोग धन्नवाद दे लई जो उन्होंने अपनी सेवा दे लई प्यार दे लई फादर जी लई लिया है उपहार फादर नूं पेंट करनगे। असी सारे जाने जोरदार तारियां मारांगे। इस तो बाद मरियम सैना दे जिन्हें भी मैंबर आ वो खड़े हो जान। इस तो बाद असी अपने मानयोग फादर पैरिश प्रीस्ट फादर सुरेश जी ते सिस्टर ज्योति जी अगे बेनती करांगे कि वो फादर जी नूं आ के उन्हां दे लई लियांदे उपहार फादर जी नूं पेंट करनगे। सारे जने जोरदार तारियां मारियो। क्योंकि फादर जी का बहुत बिजी शड्यूल होंदा क्योंकि उन्होंने पूरा प्रार्थना भवन टीवी का पूरा कामकार देखते हैं ते फिर भी फादर जी ने अपने बिजी शड्यूल विचों
समा करते हुए साडे विच आ के पाक मास की कुरबानी चढ़ाई, सानू प्रभु के वचना बारे दसिया ते सानू अपने जीवन बदलन बारे रूपांतरण करन बारे खास कर सानू परमेश्वर के वचन बारे जानकारी दिती। ते खास फादर जी ने साडे सारे पैरिश काउंसल के परिवारों के लिए प्रार्थना की। असी एक बार फिर तो जोरदार तारियां मारते हुए फादर जी का धन्यवाद करते हैं कि जिन्ना फादर जी ने अपनी कीमती समय विचों साडे लिए समा कटिया। मेरे प्रावत पिंड में सारियां नूं धन्यवाद करना चाहुंदा क्योंकि इस दिन ग्रैंड हो गई ना, एक खास दिन हो गई साढ़े लिए। हालेलुया हालेलुया सारे कुछ हो वेरी गुड। तो मैं उन फादर धन्यवाद करना चाहुंदा क्योंकि फादर है ना बहुत बिजी रहता है। फादर मार्टिन सादिक जी हर समय बिजी नहीं रहते हैं जलंधर के बीच क्योंकि तुम्हें पता है प्रार्थना भवन टीवी है ना, प्रार्थना भवन टीवी मतलब फादर के अगुवाई के बीच हमेशा आगे चलती हैं। तो फादर वेखो अपने भरा भी मतलब जो स्टूडियो चलाउंदे कल रात सारे रात नूं मतलब दिन रात काम कर रही से उन भी काम करे। फादर भी बहुत बिजी रहता है खास करके फादर किन्ने लोग कन्वेंशन दे आए सरावा। अच्छा हालेलुया तुहानू किदा लगा कन्वेंशन? बहुत वधिया। सो असी अपना पिंड विच करांगे कन्वेंशन पक्का? हालेलुया वेरी गुड। तो असी भी इत्थे करांगे फादर जी तुहाडा कन्वेंशन प्रचार साडे लोकां नूं बहुत वधिया लगा। तो असी भी चाहुंदे कि तुसी इत्थे आके अपना पिंड विच भी अपना पैरिश विच भी कन्वेंशन करना है। हालेलुया ते फादर साडे लई अपना समय कढ़ के अपना समय दे के बहुत वधिया तरीके नाल साडे लई प्रचार भी किया है अज है ना, क्योंकि स्टोरी तुहानू सारी सारिया नू याद होवेगा। पहला सारे संसार नू एक आदमी बदलना चाहुंदा है, 40 साल दे बाद सोचा कि ओ संसार नहीं बदल सकता, फिर अपने आप नहीं गवंडियां नू बदल सकता। हाँ उसके बाद जो 60-70 साल हो गए फिर सोचिया अरे यार संसार नू नहीं बदल सकिया गवंडियां नू नहीं बदल सकिया फिर मैं अपने आप नू बदल सका। हालेलुया फादर ये कहानी असीं कदे भी नहीं भुलांगे, हमेशा साढ़े दिलों में मनों में याद रखेंगे। मैं फादर जी मैं दिल तो अपना धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू। मैं उन सिस्टर ज्योति का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, अपना समय मेहनत करके बहुत सारे चरंज की है बहुत सारे। तो आप सिस्टर ज्योति का धन्यवाद करना अते पैरिस काउंसल साढ़े पा फ्रांस जी रूबी जी सारे बहुत सारे मीना टीचर सारे बहुत अपना हिस्सा पा के फादर नु सन्मान के लागे आए तो उन्होंने मैं धन्यवाद करना चाहता। मरिम सेना भी मरिम सेना अते यूथ मैंबर प्रधान विजय तो सारे अपना हिस्सा पा के अपना प्यार विखा के अगे के फादर नु सन्मान किते मैं उन्होंने भी धन्यवाद करना चाहता। थैंक यू।
मेरी वारी आई धन्यवाद करन दी। जे सच पूछो तो मैं फादर नू बहुत जोर लाया कि मेरे को समा नहीं, मैं नहीं आना इत्थे, मैं नहीं रहना, क्योंकि तीन दिन मैनू ऑलरेडी इत्थे हो गए, चौथा दिन करना बहुत मुश्किल है। फादर जी कहिंदे नहीं तुहाडी जुबली दा प्रोग्राम फिक्स आ। वैसे अज डेनिस खोखर नू जानदे तुसी ना, उन्हां दे बेटे ने एक नवा जिम लिया सी, उहदी बरकत सी जिहड़ी मैं करनी सी, तां फिर भी मैं उन्होंने कहा कि तुसी होर कोई फादर अरेंज कर लो। हुण फादर कहिंदे कि असी सिद्धवां जाना ही है, जुबली मनाउणी है, तो शाम दी पाक मास विच भी हिस्सा लैणा है। ये जो फादर ने मैनू जोर नाल इत्थे रख्या, ये इन्हां दा प्यार है। तो मैं सिद्धवां सिद्धवां मजी की कहिंदे जमीता सिद्धवां जमीता मेरा ख्याल पिछले फादर ने मैनू बुलाया सी, पिछली फीत ते भी लाइव करन दे लई भी सोचिया सी, ते पहला भी मैं सिद्धवां जमीता बारे सुनदा आया सी, ते मेरे मन विच रड़कदा ही सी कि मैं उत्थे गया नहीं, मैं देखना है की है। ते ए फादर जी दे पूरे जोर नाल ला के उन्होंने अज मैनू सिद्धवां जमीता भी दिखाता, ते मेरी जुबली भी मनाती आ। ते मैं जो तुहाडे कोलों पहला मैं सोचदा ही मैं क्यों जाना, जुबली क्यों मनानी सिद्धवां, क्योंकि मैनू कोई जानदा ही नहीं, मैं तुहाडे लई अजनबी हाँ। पर जो मैं आन के तुहाडा इत्थे प्यार देखिया, तुहाडा सत्कार, तुहाडा सन्मान, तो मैनू नहीं लगा कि मैं तुहाडे लई अजनबी सी, जब तुसी मेरे लिए अजनबी सी। आओ असी सारे रल के फादर जो फादर सुरेश दा, साडी सिस्टर दा, अते तुहाडा सारयां दा बहुत बहुत धन्यवाद। जिहड़े बाऊ जी ने शब्द बोले भी बहुत वधिया। चलो थोड़ा जा मैं अपनी जीवनी बारे तुहानू दस दिना, ये भी मेरे लिए मौका है। जल्दी तो नहीं है कोई? 25 सालां दे विच मैं 15 साल ही पंजाब च काम किया, 10 साल मैं बाहर सी यूरोप दे विच, जिथे मैं 5 साल इटली विच, ते 5 साल जर्मनी विच एक असिस्टेंट पैरिश प्रीस्ट रह के जर्मन दे लोकां लई प्रचार किया जुर्ना दी भाषा दे विच। तां 10 साल जिहड़े सी मैं अपनी सेवा बाहर निभाई, बाहर स्टडी कीती रोम दे विच, फिर जर्मन दे विच काम करके अपनी स्टडी दा खर्चा चुक के, फिर अपनी स्टडी सोशल कम्युनिकेशन दे विच PhD करके मैं आया। इसलिए मैनूं 10 साल लग गए, क्योंकि मैं खुद मेहनत करके पढ़िया उत्थे। बाकी दे 15 साल रह गए, उन्हां चों 2 साल कढ लो, बाकी 13 साल जलंधर च लंघ गए। पहली मेरी अपॉइंटमेंट सी चमयारी अजनाला च असिस्टेंट पैरिश प्रीस, ते दूसरी अपॉइंटमेंट सी मेरी अमृतसर सिटी पैरिश, ते माइनर सैमनरी दे वाइस रैक्टर। बाकी दा सारा जीवन मेरा सैमनरी विच ब्रदरां नू ट्रेनिंग देनी, ब्रदरां नू पढ़ाउण विच लगा। 2019 तो मैं ये प्रार्थना भवन TV संभालिया, तो पर मेरा रेसीडेंस जलंधर से, इसलिए मेरी लाइफ दा जिहड़ा घेरा है वह बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, लंबा हैगा जो बाहर नू देखिए तो, पर पंजाब दे विच इक्को जगह स्थापित रहा मैं। इन्हां सेवावां दे विच होर मैं कई किताबां लिखियां ने डायसिस लई, जो तुसी कह सकते रिचुअल बुक, जो पंजाब बरकतां दी किताब है, फादर तुहानू सैक्रामेंट दिंदे, फिर बरकतां दी किताब जो सारियां ब्लैसिंग्स है वह भी मेरी लिखिया, मास दी छोटी किताब एक, जदों बहुत सारे फादर होण फिर उन्हां नू जॉइन करन लई एक छोटी मास, पूरी मास दी मास जिहड़ी उस छोटी जी किताब दे विच है, फिर पवित्र हफ्ता हफ्ते दी सारी विधि वह मेरी लिखी हुई है। ते जदों मैं फादर बनिया सी, जदों मैं ब्रदर सी, उहदे जदों पास्टर जिहड़े सी मां मरियम दे विरुद्ध बोलदे हुंदे सी, अज भी बोलदे आ, कहिंदे हुंदे सी कि मां मरियम एक आंडे दे छिलके वांग आ, उन्हां दा कोई काम नहीं, मां मरियम एक लिफाफे वांग है। तो जदों मैं ब्रदर सी मैनूं इह जिहड़ियां गल्लां सी उदों बहुत छुपदियां सी, फिर मैं एक किताब लिखी मां मरियम दे, मतलब मां मरियम नूं डिफेंड करन लई, मां मरियम दे रुतबे नूं दूसरियां नूं दर्शाउण दे लई, मां मरियम दी शान, शायद तुहाडे विच्चों उस किताब ने सुनी कि नहीं, मां मरियम दी शान, जो कई साल पहलां +2 कैटेकिसम क्लास विच वी चलदी सी। ते उहदे विच मां मरियम हमेशा कुवारी सी, मां मरियम मां
प्रभु यीशु मसीह की मां सी, उहदे होर बच्चे नहीं सन। मतलब जो भी सिद्धांत सानू कलीसिया ने सिखाया वह मैं बाइबल दे विचों उन्होंने मतलब डिफेंड किया, आर्गूमेंट की है कि जो पास्टर लोग माँ मरियम के विरुद्ध बोलते हैं वह सरासर गलत है। तो वह किताब मेरी 98 मैं प्रीस्ट बनया से 99 रिलीज़ हुई सी एक साल बाद ही। फिर एक किताब लिखी सी सुखी व्यवता जीवन, सुखी व्यवता जीवन जिदे विच चार पांच हिस्से सी। पहला शादी की है, फिर एक कैथलिक शादी की है, फिर एक परिवार की है, फिर परिवारों के विचों जिन्ने बच्चे संत बने, जिन्ने मापे संत बने, वो सारे का वेरवा है। तो बाकी किताबा में जो कलीसिया की सिक्ख्या विच खुदा दे दस हुकम, सैक्रामेंटा ते एक किताब लिखी सी जिदा नाम सी फजलां दा खजाना। फजलां दा खजाना मतलब सैक्रामेंट जेड़े ने वो फजलां दा खजाना है। जिस तरह हर सैक्रामेंट विच सानू एक फजल मिलदा ना, कि सानू एक फजल मिलदा है साडा जीवन बदलदा है हर सैक्रामेंट। तो सैक्रामेंट जेड़े ने फजलां दा खजाना है जे असी इन्हां दे मतलब नू समझिए। इस तरह मैं कलीसिया नू अपनी डायसिस नू इंटलैक्चुअल तौर पर कॉन्ट्रीब्यूशन किया है किताबों के द्वारा, तो बाकी ब्रदर पढ़ाने के द्वारा जो असी मैं अपना जीवन कलीसिया लई गुजारिया है, जेडे साढ़े फ्यूचर प्रीस्ट बनते ने पुरोहित बन रहे ने उन्होंने पढ़ाना और उन्होंने ट्रेनिंग देना, इसलिए मेरा सारा जीवन इस विच गिर रहा है। पैरिशा विच मैं बहुत घट काम किया, चार पैरिशा च किया, एक अमृतसर सिटी, लम्मा पिंड जलंधर, तो असिस्टेंट पैरिश पीस्ट अजनाला। बाकी सारा मेरा जीवन बच्चों पढ़ा, अपने ब्रदर पढ़ा, जा हूँ टी वी दे विच गुजर रहा। तो मैं खुदा का शुक्र करता हाँ, खुदा ने मैनू एक बरकत दी खास बार पढ़ने लिए भेजा साढ़े बिशप सिंफोरियन ने, अते उस समय दे विच मैं खुदा नू मतलब अपने नाल महसूस किया। जो मेरे ते मुश्किल आई, आर्थिक मुश्किल आई, बार कई बार कहते बार जो लोग जाते उत्थे आर्थिक मुश्किल नहीं आती पर आंदियां ने, मैनू भी आई बहुत, पर मैं देखिया अपने जीवन में जो मेनू मुश्किल आती सी कि हुण मेरे सोर्सिस जड़े खत्म हो रहे, अगे की होगा, अगे किद्दां चलूगा, वो खुदा नाल नाल ही अरेंज करता रहा। खुदा इधरों मेरा दरवाज़ा बंद हुंदा सी, इधरों खुल जाता सी, मतलब चाहे उत्थे मेरे को कुछ भी नहीं सी पर किसी चीज़ की कमी नहीं लगी सी। वो चीज़ मैं अज भी गवाही है मेरी कि खुदा ने मेरा हाथ फड़ के मैनू चलिया देखिया अते मेरी अगवाई की, किसी चीज़ की कमी नहीं आन दिती। जबकि मैनू इस साल के बाद अगले साल पता नहीं सी कि मेरी फीसा जा कितों मतलब निकलन गियां सारियां। तो यह सी मेरी गवाही है, खुदा ने मैनू अपने हाथ नाल फड़ के चलाया, कोई कमी नहीं आन दिती, कभी महसूस नहीं होन दिता मैनू कि कुछ घट रहा, ना हुंदे होए भी पैसों की कभी घाट नहीं लगी। मतलब इदा खुदा ने हर वसीले बनाए मेरे लिए। जो इटली विच मैनू लगा कि हुण मेरा रहना इत्थे मुश्किल है, मैनू जर्मनी दे विच पैरिश मिल गए, फिर उत्थे मैं जाके मेहनत करके अपनी स्टडी कंप्लीट की। तो ये मेरी 25 साल का जीवन, तो हुण असी आस कर रहे हैं एक होर नवी चीज़ शुरू हुई है। इन्नू भी बरकत कह सकते हैं कि जिदा कल दसा कि 25 साल मेरी पहली कन्वेंशन है। मैनू बहुत बारी फादर ने बुलाया, कई बारी तुसी आओ साढ़े रिकलैक्शनस। मैं पिछले साल मेरठ डायसिस विच गया सी, माँ मरियम दे मेले ते मैं शाम दी पाकमास कीती सी जिहड़ी सारी संगत लई हुंदी आ। तो उन्होंने फादर कुछ मैं जानते कहिंदे तुसी साढ़े इत्थे कन्वेंशन करन लई आओ। मैं उन्होंने कहा मैं कन्वेंशन नहीं करता तो इसलिए मैं नहीं आ रहा। पर फादर जो सुरेश ने पूछया, पहला तो मैं कहा नहीं नहीं ये नहीं होना, मैं नहीं कभी कन्वेंशन की। फिर मैं कहा चलो कोई नहीं देख लें। तो मैनू भी वधिया लगा, तुसी भी देखिया खुदा दी बरकत, साड़ी जड़ी म्यूजिक टीम, साड़े कैमरामैन सारे नाल मिल के असी इस कन्वेंशन नू सफलता दिती, अते तुहाडे जिन्ने भी लोग वधदे गए उन्हां दे कारण सफलता मिली। तो हुण असी इस चीज़ नू एक्चुअल मतलब बनाना चाहना। मैं अज
मेरी बाकी टीम के मैंबरां नाल भी गल हुई इस सारे रवि सोता सोनू बहुत वड्डियां वड्डियां कन्वेंशन कवर करते जिदा फादर बेसल दी यूपी च फादर अशोक दी फादर थॉमस ने कैपुचन तो इन्हां ने मैनू उत्साहित किया फादर तुसी हुण बाहर निकलो तुसी कन्वेंशन फड़ो बहुत वधिया टीम है साड़ी बहुत वधिया असी करांगे तो इस तरह मैनू उत्साह मिलिया तो हुण असी डिसीजन ले लिया कि चलो बिशप की परमिशन लैनी है मैं जाके कि जे सैटरडे नू हर शनिचरवार सानू सत्संग करन दी जलंधर विच परमिशन मिल जाए असी फिर हर सैटरडे नू सत्संग करना तो हो सकदा आले दुआले दे लोग भी आने शुरू हो जाण तो जदों इदा सानू मौका मिलेगा बाहर दीआं कन्वेंशनां लैण दा असी ओह वी लवांगे तो मेरे पहला ही मन च जदों तुहाडी सिंगिंग सुन रहा सी पिछे बैठे सी अजे पाकमास नहीं होई सी तो इतने आन के भी मेरे मन च आया जे कित इतें कन्वेंशन करिए तो इन्हों भी नाल असी म्यूजिक ग्रुप के लैना यह भी गाउणगियां कुड़ियां आवाज़ इन्हों की बहुत है बाकी हुण फादर दे हाथ च है तो बाकी थोड़े हाथ च है असी खुश हाँ थोड़े इतने आने ली तो असी सानू ये विश्वास है खुदा ते कि खुदा जदों सानू खुली ग्राउंड मिलेगी असी सरावां नालों भी वधिया दुआ खुल के नच गा के कर सकांगे अते लोकां दे लई खुदा दियां बहुत सारियां बरकतां हासिल भी करांगे खुदा भी साडा साथ देवेगा यीशु मसीह साडे नाल होवेगा क्योंकि इस टीम दे नाल मैं प्रार्थना भवन टीवी नूं सपोर्ट करना चाहना प्रार्थना भवन टीवी नूं हर जगह पहुँचाउण दी कोशिश है अहीं बहुत सारियां कोशिशां कर रहे हैं मीडिया दे द्वारा इंस्टाग्राम दे द्वारा फेसबुक ये वो सारा कुछ पर लोकी अजकल लाइव मंग रहे लाइव सारा कुछ तो इसलिए अगे तो जिहड़ी भी कन्वेंशन आपां करनी वो लाइव होवेगी सारी दुनिया देखेगी जिथे भी होएगी फादर जी ने कहा सी अभी कन्वेंशन लाइव करो मैं कहा नहीं पहली कन्वेंशन है पता नहीं की होना अजे तो हुण असी ये विश्वास मिल गया कि असी लाइव करांगे जलंधर च भी एक सत्संग ग्रुप प्रार्थना भवन टीवी दा शुरू करांगे दुआ करो कि बिशप जी मैनू परमिशन दे देन ते असी हर सैटरडे फिर संडे नू तुसी प्रार्थना भवन टीवी ते भी उह सत्संग देख सकदे आ घरां च बैठे ही साडे नाल मिल सकदे प्रार्थना कर सकदे आ तो यह है हुण अगले साडी जिंदगी दा जिहड़ा अगला पड़ाव है इस टाइम प्रार्थना भवन टीवी नू सपोर्ट करना हर घर विच हर लोकां तक पहुँचाना तो इसलिए उहदे लई तुहाडी भी सपोर्ट की जरूरत है तुसी टीवी देखो यूट्यूब चैनल देखो शेयर करो उन्हां नू लोकां नू जिन्हां नू नहीं पता तो हुण कन्वेंशन असी सोच लिया हर ऐतवार नू एक घंटे दी तुहानू सत्संग प्रार्थना भवन टीवी वल्लों हर ऐतवार नू प्रार्थना भवन टीवी दा सत्संग मिलेगा बाकी कन्वेंशन चलदियां रहिंदियां ने शाम नू हर रोज़ शाम नू कोई ना कोई वीडियो अपलोड हुंदा 6 बजे जिहदे विच मेन तां कन्वेंशन ने पर उहदे विच साडे नवें प्रोग्राम ने एक गल्लां कलाम दीआं गल्लां कलाम दीआं तुसीं बुलाओगे तो टीम इत्थे तुहाडे नाल वी आण के देखिआ प्रोग्राम गल्लां कलाम दीआं तो बुकिंग हो रही है तुसीं वी बुक कर लो टीम नूं फादर नूं कह के कि जदों सिद्धवां आणा जां उत्थे आणा सरावां तो तुहाडे नाल वी इत्थे जिद्दां असीं सारे ही गल्लबात चलदी है प्रेयर दी दुआवां दी प्रश्न उत्तर तो इस तरह तुसीं वी जदों ड्यूटी लै लोगे असीं तुहानूं वी तो हर रोज़ शाम नूं जिहड़ा आ यूट्यूब ते 3 चैनल है साढ़े एक प्रार्थना भवन आ जिदे ते सिर्फ असी रीडिंग्स ते मास सवेरे पोस्ट हुंदियां ने शाम नू 6 बजे कन्वेंशन गल्लां कलाम दियां फिर एक नवा प्रोग्राम है मसले जीवन दे बहुत वड्डा प्रोग्राम है कि असी जो जिंदगी च गल्लां जरूरी आ ईसाइयत लई मसीहत लई एकता लई भाईचारे लई इकट्ठ लई वो गल्लां हुंदियां ने उहदे विच पास्टर भी आउणगे प्रीस्ट भी आउणगे आम लोग भी आउणगे नौजवान भी आउणगे ते होर सिंगर भी आउणगे मतलब जिहड़ा मर्जी उहदे विच आ सकदा जे तुहाडे च कोई बंदा चाहुंदा कि मैं मसले जीवन दे विच आ के डिस्कस करना चाहुंदा तुसीं नां दे दो असीं तुहानूं बुला लांगे फादर जी नूं दस दो इदां वो असी वह भी चीज़ जिहड़ी असी हर एक बंदे तक पहुँचाउण की कोशिश करें ये शाम को 6 बजे हर रोज़ यूट्यूब ते बाकी टीवी ते प्रोग्राम तो देखो चलते रहेंगे सवेरे 5 बजे तो लैके 7x24 आ
ਪ੍ਰਾਤ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੋਲ ਲਓ, ਟੀ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ। ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਦਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਫਾਦਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਿਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਾਵਾਂ ਪੈਰਿਸ਼ ਵੱਲੋਂ, ਸਿੱਧੂਆਂ ਜਮੀਤਾ ਪੈਰਿਸ਼ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਟੀ ਵੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ, ਇੱਕ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਆ। ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਭਵਨ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ, ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਫਾਦਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ? ਫਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਫਾਦਰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਫਾਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮਾਸ ਮੈਂ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਜੋ ਸਵਰਗ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਾਦਰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਫਾਦਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਦਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੱਬਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫਾਦਰ, ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਨ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਪਾਕ ਮਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਾਦਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਵਿਖਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੈਲਫ ਬਿਲੀਫ ਮਤਲਬ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਵੋ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਤ ਪੈਣੋ, ਅਸੀਂ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ 30 ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ, 60 ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ 100 ਗੁਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ।